Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप 2023 में अपने आंखों का सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं तो आज की डेट में किस तरह की मोतियाबिंद के ऑपरेशन अवेलेबल हैं और इन ऑपरेशंस में किस तरह के लेंसेज डाल सकते हैं, उन सब के बारे में आज डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड समझा दूंगा कि कौन से तरह के ऑपरेशंस हैं, कौन से तरह के लेंस हैं, कब आपको ऑपरेशन कराना चाहिए और कैसे आप अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये सब कुछ शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है और इसमें ऑपरेशन में करा क्या जाता है। तो देखिए, मोतियाबिंद या जिसको हम लोग कैटरैक्ट भी कहते हैं, ये हमारे आंखों के अंदर जो एक लेंस होता है इसकी प्रॉब्लम है। तो क्या है कि नेचर ने हमारे आंखों का एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम बनाया है कि लाइट आंख में सामने से आएगी, एक काली पुतली और लेंस से होते हुए ये लाइट पर्दे पर पड़ती है और यहां से एक नस निकलती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। एक यंग इंसान में जो आंखों के अंदर का ये लेंस होता है, ये बिल्कुल क्लियर होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे की तरह साफ होता है। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं जैसे बढ़ती उम्र के साथ हम सबके बाल सफेद हो जाते हैं, वैसे ही बढ़ती उम्र के साथ हमारी आंखों के अंदर का ये जो लेंस होता है ये भी सफेद हो जाता है। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि ये 50 साल से 80 साल के बीच में हो सकता है और ये जो लेंस सफेद होता है ये हर इंसान का होना है। कोई इस प्रॉब्लम से बच नहीं सकता। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं तो एक सर्टेन एज के बाद हर इंसान के आंख में जो नेचुरल क्लियर लेंस है ये उम्र के साथ सफेद हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट, कि नेचुरल लेंस आपका बढ़ती उम्र के साथ सफेद हो गया। तो अगर ये लेंस सफेद हो गया तो आंख में जो लाइट आ रही है वो इस सफेदी की वजह से रुक गई और पूरा पर्दे तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं जिनको मोतियाबिंद होता है कि हमें धुंधला दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आंखों के सामने एक धुंध की चादर आ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ड्राइव करते हैं, अगर सामने से गाड़ी आती है तो हमारी आंखों में बहुत चौंध लगती है, लाइट चुभती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सितरंगा सा दिखता है कि हम लाइट को देखते हैं तो अलग अलग रंग दिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें डबल इमेज दिखता है कि जैसे हम चांद को देख रहे हैं तो एक चांद की जगह दो चांद दिख रहे हैं, उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपकी आंखों में बन रहे हैं और आपकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है तो बहुत हाई चांस है कि आपकी आंख में सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, अब एक बारी किसी इंसान के आंख में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आ गई तो उसका इलाज सिर्फ एक और एक ही है कि एक ऑपरेशन से ये जो आंख के अंदर का लेंस सफेद हो गया इसको निकाल दो और इसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल दो, जिससे लाइट का रास्ता फिर से साफ हो गया और आपको दिखना शुरू हो गया। तो अक्सर मैं अपने पेशेंट से मिलता हूं जो मेरे से इस तरह के सवाल पूछते हैं या काफी जो लोग ऑनलाइन रिसर्च करते हैं तो मेरे पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि मोतियाबिंद का इलाज ड्रॉप से भी हो सकता है, कुछ गोलियां खा के हो सकता है, कुछ योगा मसाज आयुर्वेदा होम्योपैथी से हो सकता है, कुछ सर्टेन तरह की एक्सरसाइजेस आई एक्सरसाइजेस से मोतियाबिंद को हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, मिथ हैं। आज की डेट में भी जब हम 2023 में ये वीडियो बना रहे हैं, एज अ मॉडर्न आई डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की डेट में भी मोतियाबिंद का सिर्फ एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करके इस सफेद लेंस को निकालो
और इसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल दो। एक और क्वेश्चन बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने सुना होता है कि अगर आंख में मोतियाबिंद आ गया तो इस मोतियाबिंद को पकने दो और जब ये मोतियाबिंद पूरी तरह से पक जाए तब इसका ऑपरेशन कराओ। देखिए, ये भी अब चीजें पुरानी हो गई हैं। आज की डेट में हम लोग ऑपरेशन करते हैं लेजर से। तो क्या होता है, आंख में लेजर की किरणें जाती हैं और मोतियाबिंद को घोल देती है जिससे हम इसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपका कम से कम लेजर एनर्जी में ऑपरेशन हो जाए। तो मोतियाबिंद जितना कच्चा होगा उतना कम लेजर से हम इसको ठीक कर पाएंगे और जितना ज्यादा ये पक गया और सख्त हो गया उतना ही ज्यादा हमें फिर आंख में लेजर डाल के इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आजकल की नई इंडिकेशंस या नई गाइडलाइंस ये हैं कि मोतियाबिंद को बहुत ज्यादा पकने नहीं देना। तो मोतियाबिंद का इलाज का सही समय तब है जब आपको लगता है कि आपके रोजमर्रा के काम में दिक्कत आ रही है, जो भी आपका काम है, कंप्यूटर का काम है, ड्राइविंग का काम है, पढ़ने का काम है, जब आपको लग रहा है कि आपके रोजमर्रा के काम में दिक्कत आ रही है, नजर धुंधली हो रही है, तो आपको अपने मोतियाबिंद का इलाज करा लेना चाहिए। बहुत ज्यादा वेट करना आजकल हम लोग सजेस्ट नहीं करते। सो जैसे मैंने आपको ये समझाया कि जब एक इंसान की आंख में मोतियाबिंद की दिक्कत आती है और आंखों के अंदर का लेंस जो है वो सफ़ेद हो जाता है जिसकी वजह से नज़र धुंधली हो जाती है, तो हमें उस सफ़ेद लेंस को अब निकालना है और उसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डालना होता है। तो देखिए, अब इस ऑपरेशन को करने के भी अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरह के लेंसेज भी आजकल अवेलेबल हैं। तो 2023 में आज की डेट में आपके पास कौन से लेटेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इनमें किस तरह की रोशनी आंख में आती है, ये सारा मैं आपको अब समझाने वाला हूं। तो देखिए, आज की डेट में सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो मोतियाबिंद की सर्जरी हम लोग आज की डेट में करते हैं उन ऑपरेशंस में कोई टांका नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता और पूरा ऑपरेशन सिर्फ आंखों में ड्रॉप्स डाल के कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन से आपको घबराना नहीं है, 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन होता है और आजकल के लेटेस्ट ऑपरेशन सिर्फ आंख में कुछ बूंदे डाल के कर दिया जाता है। अब देखिए, मोतियाबिंद में भी 3 तरह के ऑपरेशंस हैं। जो ऑपरेशन पुराने हो गए हैं उनका नाम है फेको या माइक्रोफेको, जिनको कुछ लोग MICS भी कहते हैं, फिर उसके बाद जेप्टो, लेकिन आजकल मेजॉरिटी लोग, मैक्सिमम लोग जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं वो कराते हैं ब्लेडलेस फेम्टो लेजर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज है ये नई आई है और इतनी एडवांस्ड हो गई है आज की सर्जरी कि हम लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपको चश्मा पहनने की भी जरूरत नहीं है। कैटरैक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद सर्जरी में मोतियाबिंद के साथ साथ हम आपके चश्मे का नंबर भी पूरी तरह से हटा देते हैं। तो देखिए, अब हमें यह समझना है कि आज की डेट में कौन से तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं और किस लेंस का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और आप कैसे चूज करें कि आपके लिए कौन सा लेंस सूट करेगा मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। तो देखिए, एक नॉर्मल इंसान को 3 डिस्टेंसेस पे देखना होता है। सबसे पहला डिस्टेंस होता है दूर वाला, जैसे गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, घूमना फिरना, सैर पे निकलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, ये सारी एक्टिविटीज डिस्टेंस की होती है। फिर एक आता है इंटरमीडिएट वाला। इंटरमीडिएट मतलब अपने डेस्कटॉप्स पे काम करना, थोड़ा सा आपके एक हाथ की दूरी पे जो सामान रखा है उसको पढ़ना देखना, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। और फिर एक इंसान को देखना होता है नियर पे। नियर मतलब अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना, मोबाइल कंप्यूटर पे काम करना या लैपटॉप्स पे काम करना, आईपैड्स पे काम करना, ये सारा कुछ नियर में आता है। तो एक नॉर्मल इंसान को दूर का भी देखना होता है, बीच का भी देखना होता है
पास का भी देखना होता है। और ऊपर वाले ने हमारी आंखों में इस तरह का लेंस बनाया है कि वो लेंस दूर भी दिखा सकता है, बीच भी दिखा सकता है और पास भी दिखा सकता है। लेकिन जब इस लेंस को निकाल के हम आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, तो इंसान इस तरह का लेंस नहीं बना पाया जो ऊपर वाले ने बनाया। तो इंसान ने 3 डिजाइन बना दिए लेंस के, और इन 3 डिजाइन में से एक डिजाइन हमें चूज करना होता है जब हम आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला डिजाइन जो है उसको हम लोग कहते हैं मोनोफोकल लेंस। जब एक इंसान की आंख में मोतियाबिंद के बाद हम मोनोफोकल लेंस डालेंगे तो उस इंसान को दूर का तो सब कुछ साफ दिखेगा बिना चश्मे के, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, सारे काम आप बिना चश्मे के करेंगे। लेकिन जब भी आपको बीच का या पास का देखना है तब आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। तो मोनोफोकल लेंस ऑफ कोर्स स्टार्टिंग वाले लेंसेज हैं, जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन शुरू हुए थे उस टाइम पे मोनोफोकल आते थे। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस में हमें मोनोफोकल लेंस ही डालना होता है, वो चेकअप करके पता लगता है। तो अगर मोनोफोकल लेंस आपको अपना डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो मोनोफोकल में जो बेस्ट लेंस है आज की डेट में उसको हम लोग कहते हैं क्लारियन लेंस। तो क्लारियन लेंस अमेरिका का लेंस है जो एल्कॉन कंपनी बनाती है। क्लारियन से पहले जो लेंस था उसको हम कहते हैं एक्रीसॉफ्ट आईक्यू। तो क्लारियन तो 2023 की डेट में सबसे बढ़िया लेंस है, इससे पहले जो लेंस अच्छा था उसको कहते हैं एक्रीसॉफ्ट आईक्यू, और आज की डेट में क्लारियन लेंस को सबसे बढ़िया माना जाता है। क्लारियन लेंस की एक बहुत खास बात है कि इसमें नजर की क्वालिटी बहुत ही शार्प आती है, क्योंकि ये एक स्पेशल मटेरियल का बना है जो बहुत ज्यादा क्लियर होता है। तो अगेन, अगर आपकी आंख में मोनोफोकल लेंस डॉक्टर ने सजेस्ट करा है तो हमें यह समझना है कि मोनोफोकल लेंस में दूर की नजर बढ़िया आएगी, बिल्कुल साफ आएगी बिना चश्मे के, लेकिन बीच और नजदीक के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। और जो सबसे बढ़िया लेंस है आज की डेट में उसका नाम है क्लारियन, जो एल्कॉन कंपनी यूएसए की बनाती है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं नेक्स्ट कैटेगरी का लेंस। जो नेक्स्ट कैटेगरी का लेंस है उसको हम लोग कहते हैं ईडॉफ कैटेगरी। ईडॉफ का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। तो जब हम पेशेंट की आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके अगर ईडॉफ लेंस डालते हैं तो ईडॉफ लेंस में पेशेंट को दूर का सारा कुछ बढ़िया दिखेगा, बिना चश्मे के सब कुछ कर सकते हैं। बीच का सारा कुछ बढ़िया दिखेगा, बिना चश्मे के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब भी रीडिंग का काम करना है तब हमें चश्मा पहनना पड़ेगा। तो मोनोफोकल सिर्फ आपको दूर का साफ दिखाएगा, बीच और नजदीक के लिए चश्मा पहनना है। ईडॉफ वाला जो है ये आपको दूर और बीच का साफ दिखाएगा, सिर्फ नजदीक के लिए चश्मा पहनना है। तो आज की डेट में 90% लोग जो है वो ईडॉफ वाला लेंस डालते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, मोबाइल कंप्यूटर पे भी काम हो जाता है और किसी तरह के नॉन नेचुरल सिम्टम्स नहीं बनते। तो ईडॉफ में 2 तरह के लेंसेज हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक है एल्कॉन का विविटी लेंस और एक है जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस आई हैंड्स लेंस। दोनों ही लेंसेज अमेरिकन लेंसेज हैं, इंपोर्टेड लेंसेज हैं, दोनों की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आती है और दोनों लेंसेज को एक तरह से हम एट पार ही मानते हैं। लेकिन हाँ, विविटी और आई हैंड्स में डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि विविटी आपको थोड़ा सा डेप्थ का एडवांटेज ज्यादा देता है कि और पास से आप देख पाते हैं, आई हैंड्स आपको डेप्थ का एडवांटेज थोड़ा सा कम देता है। लेकिन एंड ऑफ द डे दोनों ही लेंसेज अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे लेंसेज हैं एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन इन दोनों ही लेंसेज के साथ बहुत ज्यादा है, पेशेंट्स हमारे बहुत खुश रहते हैं। अब एक और लेंस आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंस। ट्राईफोकल लेंस जैसे नाम बता रहा है इसके 3 फोकसेस हैं। तो जब ये लेंस हम डालते हैं तो पेशेंट को दूर का भी साफ दिखेगा, बीच का भी साफ दिखेगा, नजदीक का भी साफ दिखेगा। तो अगर एक लेंस आपको दूर, बीच, नजदीक तीनों का साफ दिखा रहा है तो फिर तो ये सबसे बढ़िया लेंस होना चाहिए, हर इंसान को यही लेंस डलवाना चाहिए। एक लेंस डलवाया, आज के बाद चश्मा पहनने की जरूरत ही नहीं है, ना दूर के लिए पहनना है, ना बीच के लिए पहनना है, ना पास के लिए पहनना है।
लेकिन ट्राइफोकल लेंस में एक बड़ा डिफरेंट सा फिनोमेना बनता है जिसको हम लोग कहते हैं हेलोज एंड ग्लेयर्स। तो उसमें क्या होता है कि जब आप रात के टाइम पे, मान लीजिए गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, सड़क पे निकल रहे हैं, ब्राइट लाइट्स को देख रहे हैं, तो उन लाइट्स के अराउंड आपको छल्ले छल्ले दिखते हैं, और ये छल्ले छल्ले लोगों को बहुत तंग करते हैं कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं जिसकी भी लाइट को देखो उसके अराउंड एक छल्ला दिखता है। तो ये जो ट्राइफोकल लेंस है ज्यादातर हम रिजर्व रखते हैं उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं करना, जैसे हाउसवाइफ्स हो गई या जो रिटायर्ड लोग हो गए कि हमें ज्यादातर घर पे ही रहना है, हम चाहते हैं चश्मा पूरी तरह से हट जाए, बहुत ज्यादा ड्राइव नहीं करना, उन लोगों के लिए ये वाला लेंस रिकमेंडेड होता है। तो अगर 100 कैटरेक्ट के ऑपरेशन करता हूं तो 100 में से आप ये मान लीजिए कि 10 लोग मोनोफोकल के लिए सूटेबल निकलते हैं, करीब 5 लोग मल्टीफोकल के लिए सूटेबल निकलते हैं, और जो रिमेंडर रह गए वो यूजुअली ई डॉफ कैटेगरी में जाते हैं। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया लेंसेज के बारे में कि मोनोफोकल में जो पहले का सबसे बढ़िया लेंस था वो था एक्रिस ऑफ आईक्यू, और आज की डेट में जो सबसे बढ़िया लेंस आ गया है उसको कहते हैं क्लैरियन लेंस। ईडॉफ कैटेगरी में 2 लेंसेज बहुत पॉपुलर हैं, एल्कॉन का विविटी लेंस एंड जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस आईहांस लेंस। एंड मल्टीफोकल कैटेगरी में तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो है एल्कॉन का पैनऑप्टिक्स लेंस। ओके, अब एक कॉलम मैंने आपसे अभी भी डिस्कस नहीं करा और वो है टॉरिक वाला कॉलम। ये चीज मैंने यहां पे क्या लिख दी है, देखिए क्या होता है कि आज की डेट में जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो हम इस तरह का ऑपरेशन करना चाहते हैं कि आपके चश्मे का नंबर भी हम ऑलमोस्ट खत्म करते हैं। तो अगर किसी इंसान की आंख में सिलेंडर का नंबर है तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में उस सिलेंडर को भी हम ठीक कर देते हैं और विजन की क्वालिटी को और ज्यादा शार्प और बेटर कर देते हैं। तो टॉरिक लेंस उन लोगों में डाला जाएगा जिनकी आंखों का सिलेंडर नंबर 0.75 से ऊपर है। तो अगर आपके चेकिंग में आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मेरे को टॉरिक डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, अगर आपकी आंख में सिलेंडर का नंबर है और वो 0.75 से ऊपर है तो आपकी आंख में टॉरिक लेंस डलता है जिससे विजन की क्वालिटी और बेटर आती है। तो इन सारे लेंसेज में टॉरिक वर्जन भी आते हैं। तो क्लैरियन का भी टॉरिक आता है, विविटी का भी टॉरिक आता है, आईहांस का भी टॉरिक आता है, पैनऑप्टिक्स का भी टॉरिक आता है। तो सारे लेंसेज में टॉरिक वर्जन भी अवेलेबल हैं। तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा चेक करके कि आपको टॉरिक की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आपको टॉरिक डलवाना चाहिए तो आपको जरूर डलवाना चाहिए क्योंकि उससे आपकी विजन की क्वालिटी और ज्यादा अच्छी आ जाती है। सो इस वीडियो का मेरा पर्पस बेसिकली ये समझाना है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से आजकल डरना नहीं है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, स्पेशली जो हम ये ब्लेडलेस फेमटो वाला करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ऑपरेशन, ये तो इतना एडवांस्ड है कि इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। बस आंखों में बूंदे डाली, 10 से 15 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। आज ऑपरेशन हुआ, कल से दिखना शुरू। एक हफ्ते का थोड़ा सा परहेज हम कहते हैं कि धूल मिट्टी से दूर रहना है, थोड़ा घर के अंदर रहना है, आंखों में पानी ना जाए, गले के नीचे नहाना है, मोबाइल कंप्यूटर थोड़ा सा कम रखना है। लाइट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रूम लाइट में हैं, सन लाइट में हैं, कंप्यूटर की लाइट में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काला चश्मा ऐसा नहीं है कि आंख लाइट बंद करके बैठना है आपको, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके बैठना है आपको। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आपको एक काला चश्मा दे देते हैं, लेकिन उस काले चश्मे की रिक्वायरमेंट भी तब होती है जब आप घर से बाहर निकलते हैं। अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं और आपको घर के अंदर ही रहना है तो काले चश्मे को भी आप छोड़ सकते हैं। 1 से 1.5 महीने की दवाई डालनी होती है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, जो ज़्यादातर आंखों की बूंदें होती हैं, और उसके बाद आप अपना पूरी तरह से फ्री हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको और क्लैरिटी मिली होगी कि 2023 में, आज की डेट में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो किस तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं और आपको कैसे चूज करना है, आपको कौन सा लेंस सबसे ज्यादा सूट करेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको सारा डिसीजन अपने डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को पता है सारे एक्सपीरियंस के साथ कि किस पेशेंट को कौन सा लेंस ज्यादा अच्छी तरह से सूट और सेटिस्फाई करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।